हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई बहुत सैड है आपकी याद में तो क्या है इस तरह के उनके सैडनेस के जज्बात और स्पेशली क्यों है वो दुखी, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। जनरल रीडिंग है, टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। एक, दो, तीन, चार, पांच और ये 6। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7, 8, 9 और ये 10। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है 5 ऑफ पेंटेकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। तो जैसा कि हमारा टॉपिक है कि कोई बहुत सैड है अपने जिंदगी में, यानी कि बहुत दुखी है, तो क्या वजह है? तो पहली वजह यहाँ पे पता चल रही है, उन्हें काफी ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। जैसे यहाँ पे एक बड़ा सा महल है लेकिन ये पर्सन जो है वो ठंड में बाहर ही है, मतलब उसको अंदर आने की शायद इजाजत नहीं है या फिर हो सकता है कि वहां तक अभी ये पहुंचा नहीं है। तो ऐसे ही जिंदगी का राइट नाउ जो सफर उन्होंने तय किया है, मे बी इस पर्सन ने पैसों को और आपको कंपेयर किया, एक लग्जरियस लाइफ या फिर प्यार, इसके बीच में शायद उन्होंने अपने कंफर्ट जोन को चुना हुआ हो सकता है और अब उन्हें उसी कंफर्ट जोन में तकलीफ महसूस हो रही है। यानी कि जैसे मान लीजिए ये महल किसी का है, इस पर्सन का ही है जो यहाँ पे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे इसके साथ रहने के लिए कोई भी नहीं है, ये अकेला है। तो वैसे ही अकेलेपन की एनर्जी उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ दे रही है जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा दुखी है। फिर है द सन। सन का कार्ड तो हमेशा टैरो में अच्छा ही आता माना जाता है। जैसे यहाँ पे ये घोड़े पे सवार होके आगे की तरफ बढ़ रही है, फुल स्पीड से घोड़ा आगे दौड़ाने की कोशिश कर रही है, वैसे ही आपके पर्सन को लग रहा है कि उन्हें अगर इस सैडनेस से निकलना है तो उन्हें अपने हैप्पीनेस तक पहुंचने के लिए आप तक रीच आउट होना पड़ेगा। यानी कि अगर आपके साथ बातचीत नहीं हो रही है तो भले ही यहाँ पे जैसे बर्फ गिर रही है लेकिन उस ठंड में से, उस बर्फ में से भी चलते हुए सही भाग के दौड़े घोड़े पे सवार होके सही, लेकिन उन्हें मन कर रहा है कि वो आपसे दोबारा कनेक्ट हो जाए और कहीं ना कहीं आपकी यादें हैं जो उनके दिल में काफी ज्यादा घर कर चुकी है, जिसकी वजह से इस अकेलेपन में उन्हीं यादों के सहारे शायद वो अपने आप को बहलाने की थोड़ी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वही वजह बन जाती है उनके गम की। फिर है 4 ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी, लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे यहाँ पे ये जो लड़की है ये फूलों के पलंग पे सोई हुई है, बहुत अच्छा घर है उसका, पर्दे वगैरह भी लगे हुए हैं, अच्छा खासा बेड है, इर्द गिर्द पूरी तरह से फ्लावर्स भी है, लेकिन ये सो नहीं पा रही है। इसके सिर के ऊपर इसने हाथ रखा है और शायद उसको सिर दर्द की भी तकलीफ है। तो ऐसा क्यों हो सकता है, मतलब इतना अच्छा तो घर है, माहौल भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये जो सॉर्ट्स है वही वजह है उसके सिर दर्द की। ये सॉर्ट्स रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, तो इनका शायद काफी ज्यादा मन करता है आपसे कुछ बातें शेयर करे, कुछ कम्युनिकेशन करे, कुछ शेयरिंग करे, लेकिन वो शायद हो नहीं पा रहा है। और यही बातें जैसे यहाँ पे ये सॉर्ट का नुकीला सिरा है वो सिर्फ इस पर्सन की तरफ ही जाता है, चारों सॉर्ट्स उसी को जैसे एक फोकस कर रही है, वैसे ही आपके जो पर्सन है
उनको ये बातें बहुत ज्यादा चुभ रही है, उनके दिलो दिमाग को ये तकलीफ दे रही है। जो बातें वो आपसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं बातों की वजह से ये स्लीपलेस नाइट से गुजर रहे हैं, यानी कि नींद, चैन, सुकून सब कुछ गायब हुआ है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जो हैप्पीनेस है वो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ है, और शायद यही वजह है उनके सैडनेस की। फिर है द मैजिशियन, तो कहीं ना कहीं शायद यूनिवर्स भी उनको हेल्प करने के लिए आगे बढ़ने की एक एक ऑप्शंस दे रही हैं। जैसे यहाँ पे सॉर्ड है, यानी कि कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, वैंड है यानी कि एक्शन भी ले सकते हैं, कप है तो इनके दिल में अभी भी आपके लिए, भले ही आप दोनों नो कांटेक्ट में, फिर भी इस पर्सन के दिल में आपके लिए जज्बात है। और पेंटेकल है यानी कि इस पर्सन की फैमिली भी शायद थोड़ी बहुत तो इनका सुनती होगी, मतलब ये अपनी फैमिली को भी मनवा सकते हैं आपसे ये रिश्ता आगे बढ़वाने के लिए। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटी उनके सामने यूनिवर्स ने तो रखी है, लेकिन अब इस पर्सन को चूज करना है कोई एक ऑप्शन, यानी कि एक ऑप्शन चूज करेंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि किस ऑप्शन के साथ जिंदगी में आपकी तरफ आगे बढ़ना है, फैमिली को लेके जाना है यानी कि सीधे मैरिज प्रपोजल से जुड़ी बातें करनी है, या फिर जस्ट आई मिस यू इस तरह की कुछ रोमांटिक बातें करनी है, या प्रॉपरली एक्शन लेते हुए, जैसे अगर उन्हें पता है कि आप कहाँ पे रहती है या रहते हैं तो सीधा आपसे मिलने आना है, या फिर कोई कम्युनिकेशन चूज करना है, यानी कि टेक्स्ट कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं, जस्ट हाय हेलो, यानी कि सिर्फ देखने के लिए कि हाँ क्या ऐसे ही आप भी उनके बारे में सोचते हैं या सोचती है, ये सिर्फ जानने के लिए ये इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फिर है एट ऑफ कप्स, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस, ढेर सारे कप्स है, ऑलमोस्ट एक कबर्ड भरा हुआ है कप्स से, लेकिन ये पर्सन जो है वो दरवाजे से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। ये सभी कप उसके ही है, लेकिन उसको ऐसा लगता है मेरे को आम के कोई ये कप्स है ही नहीं। वैसे ही आपके पर्सन के दिल में जो ढेर सारे जज्बात है, आपके बिना उन्हें लगता है उन जज्बातों की कोई वैल्यू ही नहीं है, यानी कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। इतना सारा तो प्यार उनके दिल में है आपके लिए, और अगर ये अपनी तरफ से बताएंगे नहीं हाउ मच आई लव यू, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह का बर्डन इन्हें फील होता होगा। और वही बातें हैं जो इनके दिलो दिमाग को काफी ज्यादा तकलीफ दे रही है, तो अपने ही इमोशन से भागने की कोशिश करते रहते हैं ये, यानी कि जब भी उन्हें शायद आपकी बहुत ज्यादा याद आती है ये थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, तो शायद घर से बाहर निकल जाते हैं, हो सकता है सोशली ज्यादा एक्टिव रहने की कोशिश करते हैं, फ्रेंड सर्कल में घूमने फिरने की भी ट्राई करते हैं, यानी कि खुद को बहलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे इस कार्ड में हमने देखा, घूम फिर के जब रात को घर आते हैं तब वही आपकी यादें उन्हें तकलीफ देने लगती है, यानी कि आफ्टर ऑल प्यार दिल से तो किया जाता है, दिमाग से नहीं। और ऐसे ही जब दिमाग की बातें आती है कि शायद दिमाग भी उनको यही कहता है कि अगर तुम्हें इतना ही प्यार है तो बोल दो उसको, और यही शायद हो नहीं पा रहा है। और फाइनल कार्ड है सेवन ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस, ढेर सारा पैशन है इनके दिल में आपके लिए, और पैशनेटली आपको लेके शायद रात में भी ये काफी कुछ सोचते रहते हैं, यानी कि आपके साथ इनका जिंदगी का जो आगे का सफर है वो भी कितना खूबसूरत हो सकता है, कुछ उसमें रोमांटिक ख्याल भी इनके हो सकते हैं, उनसे जुड़ी बातों के बारे में भी ये काफी ज्यादा सोचते हैं। लेकिन जैसे यहाँ पे ये पर्सन कौन है ये हम नहीं देख सकते, क्योंकि इसने अपना चेहरा नहीं दिखाया है, इसकी सिर्फ पीठ दिखाई दे रही है। वैसे ही आपके पर्सन जो है वो अपने जज्बातों को रिवील नहीं कर रहे आपके सामने, और यही वजह है उनके सैडनेस की। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं दोस्त। तो जैसा कि इस कार्ड में मैंने कहा कि ये पर्सन शायद अपने दोस्तों में काफी ज्यादा घुलने मिलने लगे हैं, और ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, और शायद आपको भी उन्होंने शायद पहली दफा कांटेक्ट किया था या फिर आपसे कनेक्टेड हुए थे वो सिर्फ दोस्ती के लेवल पे, यानी कि सिर्फ फ्रेंडशिप, लेकिन उनको बाद में समझ में आया कि इट्स मोर देन फ्रेंडशिप। और ये जज्बात कुछ ऐसे होते हैं प्यार के जो दिल एक्सेप्ट करने में, समझने में कुछ लोगों का काफी वक्त चला जाता है। तो इस पर्सन को शायद समझ में तो आ चुका था कि उनके दिल में काफी सारे जज्बात हैं, लेकिन शायद ये उस रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं थे। मे बी इसके लिए उन्होंने इस फ्रेंडशिप को, यानी कि इस रिश्ते को
दोस्ती तक ही रखा, यानी कि आपको अपना फ्रेंड है ऐसा ही बोल के शायद कांटेक्ट कट कर दिया होगा कि मैंने तो तुम्हें सिर्फ दोस्त माना था, तुम बस मेरे अच्छे दोस्त हो या तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। और जब अगर किसी को ऐसे पता चलता है कि सिर्फ सामने वाला पर्सन हमें दोस्त समझता है तो किसी की भी ऑब्वियसली फीलिंग्स हर्ट होती है, अगर वो फीलिंग्स रोमांटिक है तो। दुश्मन, दोस्त और दुश्मन दोनों कार्ड आए हैं, तो इस पर्सन को एहसास हो रहा है कि दुश्मन तो ऐसे वैसे ही दुनिया में इर्द गिर्द होते ही है, कुछ दुश्मन हिडन दुश्मन होते हैं, लेकिन यहाँ पे दुश्मन ये कार्ड कनेक्ट हो रहा है उनके अपने इमोशंस का, तो इनके ही खुद के ही ऐसे कुछ जज्बात हैं जो उनके लिए दुश्मन बन के काम कर रहे हैं। यानी कि दिल तो शायद आपकी तरफ खींचा चला जाता है, आपकी तरफ बढ़ने का भी इनका मन करता है, लेकिन अगर ये पर्सन प्रैक्टिकल बातों को ज्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले हैं, यानी कि बिजनेस माइंडेड हैं, तो हो सकता है वही वजह हो गई इस कार्ड को दुश्मन मानने की, यानी कि इनके ही कुछ ख्याल इनके साथ ऐसे जुड़ गए जिनकी वजह से इस रिश्ते के ये दुश्मन बन गए। फिर है हाँ, तो शायद किसी बात को आपने उनसे पूछा था, वो मैरिज प्रपोजल हो सकता है, इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में हो सकता है, लेकिन इस पर्सन ने शायद उस वक्त आपको हाँ नहीं कहा था, और अब जब ये दूरियां मिल चुकी हैं, ये पर्सन पूरी तरह से सैडनेस में जा चुके हैं, तब उन्हें लगता है कि मुझे हाँ कह देना चाहिए था, वही मेरे लिए सही समय था, हाँ दैट वॉज द राइट टाइम फॉर मी। जुनून, तो अभी भी उनके दिलो दिमाग पे आपके प्यार का जुनून छाया हुआ है, जैसे यहाँ पे इस घोड़े पे सवार होके ये आग की तरफ बढ़ रही है, वैसे ही आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, क्योंकि उनके दिलो दिमाग पे वो ख्याल अभी भी उन्हें तकलीफ देते हैं। किस्मत, कुछ लोग शायद किस्मत के भरोसे रुके हुए थे, यानी कि किस्मत में होगा तो शादी होगी, किस्मत में होगा तो हम मिलेंगे, किस्मत में होगा, इस तरह की शायद कुछ बातों में ये अपने आप को बहलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब उसी बात को लेके जब ये सोचते हैं कि इतना ही सब किस्मत के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जो हम चाहते हैं या सोचते हैं वो क्या सब कुछ मुमकिन हो पाता है, यानी कि एक जगह पे बैठा हुआ है इंसान और सिर्फ सोच रहा है मेरी किस्मत में होगा तो मुझे खाना मिलेगा, मुझे पैसा मिलेगा, इस तरह से तो होता नहीं ना, तो इस तरह की भी कुछ बातें उनके दिलो दिमाग में आ रही है, यानी कि कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि किस्मत की वजह से आप दोनों एक दूसरे की जिंदगी में आए और शायद किस्मत ने साथ नहीं दिया, इसलिए थोड़ा सा एक दूसरे से दूरियां भी राइट नाउ आप दोनों को मिल रही है, लेकिन इस किस्मत के भरोसे अगर वो ऐसे ही बैठे रहे तो आखिर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा, आप दोनों एक दूसरे की किस्मत में आ जाएंगे या हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे, इस तरह की भी बातें जब उनके दिलो दिमाग में आती होंगी तो ऑब्वियसली वो सैड हो जाते हैं। इकरार ही शायद करना इम्पोर्टेंट था इस रिश्ते में, यानी कि अगर आपने उन्हें मैजिकल वर्ड्स बोल दिए हैं तो आपको भी इनके इकरार की शायद राह थी, लेकिन इस पर्सन ने इकरार की वजह में भी इनकार ही किया था और अभी इस इकरार को लेके वो सोचते रहते कि मैंने वो इकरार क्यों नहीं किया। राह, आप उनकी राह देख रहे हैं या नहीं ये तो वो नहीं जानते, लेकिन उन्हें जरूर आपकी राह है, यानी कि वो आपका इंतजार करते हैं, उन्हें लगता है आउट ऑफ द ब्लू काश कहीं से उसका मैसेज आ जाए, काश कहीं से वो मुझे कॉल कर दे, काश कहीं हम दो मिले, इस तरह की एनर्जी में शायद वो आपके बारे में सोचते रहते हैं, आज भी कहीं ना कहीं उन्हें आपका इंतजार जरूर है। इश्क, आपसे प्यार किया है इन्होंने और इसी इश्क को आज ये आपसे थोड़ा सा दूर होके समझने की कोशिश कर रहे हैं, भले ही उनके इर्द गिर्द सब कुछ है, जैसे यहाँ पे एक बड़ा घर है, लेकिन जो लोग इश्क कर बैठते हैं उनकी हालत ही अलग हो जाती है, वैसे ही हालत इस पर्सन की हो गई है, जैसे हीर राजा और जो रोमांटिक बाकी के अभी मैं लिस्ट नहीं बताना चाहती, लेकिन उनके ऊपर जो ऐसे प्लेस वगैरह भी बने थे कि इस तरह का भी इश्क किया जाता है, वो यूं ही नहीं एक अलग अंदाज में पागलपन जैसा होता है, दिल की एक अजीबोगरीब हालत हो जाती है, बहुत ही काफी ज्यादा एक अलग इमोशन फील करता रहता है इंसान, और वैसी हालत में राइट नाउ ये पर्सन है। शॉपिंग, आप दोनों ने अगर कहीं पे इकट्ठा शॉपिंग की थी या आपने अपने पर्सन के लिए शॉपिंग करके कुछ खरीद किया दिया था उसको एज अ गिफ्ट, तो उस शॉपिंग को ये आज भी बहुत ज्यादा मिस करते हैं, उन्होंने वो खरीदी की हुई चीज आप आज भी अपने पास संभाल के रखी है और उन्हें वो पल याद आते हैं किस तरह से आप दोनों ने उस छोटे छोटे लम्हों को भी कितना ज्यादा एंजॉय किया था। और फाइनल कार्ड है बातें,
ये है मेन रीजन उनके सैडनेस का। वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, अपने दिल के इमोशंस शेयर करना चाहते हैं, वो बातें आप दोनों में हो नहीं रही है, यानी कि वो कम्युनिकेशन मिसिंग है इस रिश्ते में और यही वजह है कि बहुत सैड है ये आपके बिना। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।